नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबर दोपहर। मैं हूं आपका दोस्त नसीर गयास। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना मुलाजमीन की आम हड़ताल, छठवें दिन में दाखिल। सिंगारेनी कॉलरीज के एहतजाजी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वरंगल में रियासती वजीर पोनाला लक्ष्मैया के मकान का MRPS कारकुनों ने किया घेराव। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की CBI तहवील में तौसी के लिए तहकीकाती अहदेदारों की कोशिश, पूछताछ के लिए मजीद वक्त दरकार। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की आज दिल्ली रवानगी, आम हड़ताल के असर और तेलंगाना तहरीक की शिद्दत से हाईकमान को वाकिफ करवाना मकसद। आगरा के खानगी हॉस्पिटल में हफ्ते की शाम धमाका, 6 अफराद जख्मी, पुलिस चौकस तहकीकात का आगाज। पाकिस्तान की रियासत सिंध में सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासिर, वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी का मुतासिर इलाकों का दौरा। मुअम्मर कजाफी की वफादार फौज का बागी अफवाज पर हमला, बनी वलीद और सिरित के करीब लड़ाई में शिद्दत। नैटो अफवाज के हमलों में 350 से ज्यादा शहरियों की हलाकत का कजाफी के तर्जुमान ने किया दावा। और तुर्क इसराइल बहरान, अमेरिका की मदाखिलत कबूल नहीं, तुर्की के वजीर खारजा का बयान। तेलंगाना मुलाजमीन की आम हड़ताल आज छठवें दिन में दाखिल हो गई है। हड़ताल की वजह से सरकारी कामकाज मुकम्मल ठप हो गया है। गुज़श्ता 5 रोज से हड़ताल करने वाले सिंगारेनी कॉलरीज के मुलाजमीन को कल रात देर गए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन मुलाजमीन की गिरफ्तारी पर तेलंगाना सियासी JC और मुलाजमीन JC ने सख्त एतराज़ किया है। सियासी JC ने गिरफ्तार शुदा मुलाजमीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। दीगर सूरत एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी गई है। वरंगल में MRPS कारकुनों ने रियासती वजीरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोनाला लक्ष्मैया की खियामगा के रूबरू जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वजीरे मौसूफ की खियामगा का घेराव करते हुए उनसे इस्तीफा देने का मुतालबा किया। तेलंगाना सियासी JC ने इस हड़ताल में मजीद शिद्दत पैदा करने और मुलाजमीन को मदद फराहम करने के मकसद से कल यानी 19 सितम्बर को हाईवे पर रास्ता रोको एहतजाज करने का ऐलान किया है। माइनिंग में करोड़ों रुपए के स्कैम में मुबैना तौर पर मुलविस कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके ब्रादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी की CBI तहवील कल यानी 19 सितंबर को ख़त्म हो रही है। CBI के तहकीकाती अहदेदार इन दोनों की तहवील में तौसी के लिए अदालत में आज दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। CBI गाली जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी की जायदादों और बैंक खातों की तफसीलात के अलावा उनकी जानिब से मुल्क और बैरून मुल्क में की गई सरमायाकारी की तफसीलात इकट्ठा कर रही है। ज़राए के मुताबिक गाली जनार्दन रेड्डी से पूछताछ के लिए CBI को मजीद वक्त दरकार है, इसलिए उनकी CBI तहवील में तौसी के लिए दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। मुलाजमीन की आम हड़ताल और सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ एहतजाज और मुजाहरे के तनाजुर में तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ये कायदीन अलहदा रियासत की तहरीक में पैदा होने वाली शिद्दत से पार्टी के मरकजी कायदीन को वाकिफ करवाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस स्टेयरिंग कमेटी के कायदीन बांसवाड़ा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार ना ठहराने का पार्टी क़ियादत से मुतालबा भी करेंगे। रियासती वजीर जाना रेड्डी की क़ियादत में दिल्ली रवाना होने वाला कांग्रेस कायदीन का यह वफ्द मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद के अलावा दीगर कौमी कायदीन से मुलाकात करेगा। TRS के रुकन असेंबली और पोलिट ब्यूरो रुकन KT रामाराव ने तेलुगुदेशम कायदीन को मशवरा दिया है कि वो असेंबली गेट को खुफल डालने के बजाय सदर तेलुगुदेशम N चंद्रबाबू नायडू की खियामगा को ही खुफल डाल दें। जब सदर तेलुगुदेशम को तेलंगाना तहरीक की शिद्दत का एहसास होगा और अवाम को तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन की संजीदगी का भी पता चल जाएगा।
के टी रामा राव ने तेलुगुदेशम कायदीन से कहा कि वो चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर नाचना बंद कर दें और संजीदगी से अलहदा रियासत की जद्दोजहद में शामिल हो जाएं। उन्होंने आवाम से अपील की कि तेलंगाना सियासी जेएसी की जानिब से 19 सितंबर को शाहराहों पर जो एहतजाज किया जा रहा है उसको कामयाब किया जाए। आगरा में वाकई एक हॉस्पिटल में होने वाले बम धमाके में कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए। आगरा पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पीके तिवारी ने बताया कि ये कहना कबल वक्त है कि आया ये धमाके कोई दहशतगर्द हमला था। इस बम धमाके से एक हफ्ते से कुछ ही पहले नई दिल्ली की हाईकोर्ट में एक बम फटा जिसमें 12 अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस ने नई दिल्ली के बम धमाकों के सिलसिले में कम से कम 5 अफराद को अभी तक हिरासत में लिया है। आगरा में हफ्ते की शाम में हुआ धमाका ताकतवर नहीं था लेकिन ये खानगी हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास हुआ जिससे 6 अफराद इसकी जद में आ गए। पाकिस्तान की जुनूबी रियासत सिंध में गैर मामूली बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद की तदाद 70 लाख से जायद हो गई है। आफात से निमटने के इदारे NDMA के तर्जुमान अरशद भट्टी ने बताया कि मुतासर अजला में निकासी आब ना होने की वजह से मुश्किल पेश आ रही हैं। ताहम विफाकी और सूबाई हुकूमत के तमाम इदारे बीमारियों से बचाव के लिए अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। अरशद भट्टी का कहना है कि मुतासर इलाकों में 1,20,000 खवातीन हामिला हैं जिनमें से 18,000 खवातीन ऐसी हैं जिन्हें दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हामिला खवातीन को तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए फौज सूबाई व जिलाई हुकूमतों ने छोटे तिब्बी मराकज कायम किए हैं। सिंध में आफात से निमटने के सूबाई इदारे के आदाद और शुमार के मुताबिक अब तक 342 अफराद हलाक हुए हैं जिनमें से 77 बच्चे और 95 खवातीन हैं। 70 लाख से जायद मुतासरीन में से लगभग 5 लाख अफराद हुकूमत के कायम करदा आरजी कैंपों में मुकीम है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी मुतासर अजला में जारी इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए हफ्ते को 2 रोजा दौरे पर सिंध पहुंचे। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बॉन की मून ने सुबह सिंध में सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए अपने एक बयान में कहा था कि मुतासरीन को खुराक आरजी ठिकानों पीने के साफ पानी और तिब्बी सहूलतों की जरूरत है और आलमी बरादरी से उन्होंने अपील की थी कि इन मुतासरीन की मदद की जाए। बात करते हैं लीबिया की। हफ्ते को लीबिया में मुअम्मर कजाफी की वफादार फोर्सेस ने बनी वलीद शहर में कौमी वली काउंसिल की फोर्सेस पर जोरदार जवाबी हमला किया जिसके नतीजे में उसके कई जंगजो हलाक और जख्मी हो गए। इस लड़ाई में शरीक कौमी वली काउंसिल के एक जंगजू उमर अली रमजान ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि कजाफी फोर्सेस ने ग्रेट रॉकेटों से हमारी पोजिशनों को निशाना बनाया जिसके बायस हमें एक मकान में पनाह लेनी पड़ी। AFP ने कौमी वली काउंसिल और हॉस्पिटल जराए के हवाले से भी ये बताया है कि इस लड़ाई में कजाफी मुखालिफ 6 जंगजू हलाक जबकि कम से कम 20 जख्मी भी हुए हैं। दरियासना मुअम्मर कजाफी के तर्जुमान मूसा इब्राहिम ने रायटोर से टेलीफोन पर बात करते हुए इल्जाम लगाया कि सिरत पर नाटो के फिजाई हमलों में एक रिहायशी इमारत और होटल को निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में 354 शहरी हलाक हो गए जबकि 700 जख्मी हैं। फौरी तौर पर तर्जुमान के दावे की तस्दीक नहीं हो सकी है क्योंकि सिरत कजाफी का आबाई शहर है जिसके शहर से राबते के तमाम जराए मुनक़ते हैं। उधर ब्रिसल्स में मगरबी अफवाज के तर्जुमान कर्नल रोलैंड लो ने इसे महज इल्ज़ाम करार देते हुए कहा कि इस तरह के इल्ज़ाम पहली मरतबा नहीं लगाए गए हैं। इससे कबल भी शहरियों की हलाकत के इल्ज़ाम लगाए गए जो बेबुनियाद साबित हुए। कजाफी के तर्जुमान मूसा इब्राहिम ने ट्यूनिस से फ़ोन पर बताया कि नाटो ने गुज़श्ता रात सीरत शहर में फजाई हमले किए जिसमें 30 से ज़ायद रॉकेट शहर के अहम होटल और रिहायशी इमारतों पर रास फायर किए गए जिसके नतीजे में 350 शहरी जाँ बाँग हुए जबकि 90 अफराद ताहाल लापता हैं और तकरीबन 700 लोग जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि मुअम्मर कजाफी लीबिया में ही हैं और फतह के लिए पुरएतमाद हैं। उधर हफ्ते को मुअम्मर कजाफी के मजबूत गढ़ बनी वलीद में कजाफी की वफादार फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की जिसके बाद एम्बुलेंस ने लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल पहुँचाया।
हफ्ते को शामी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अदलीब में तलाशी कार्रवाइयों के दौरान दो अफराद को हलाक कर दिया। शाम की सूरत हाल पर निगाह रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि इन अफराद को खान शेखून के इलाके में हलाक किया गया। शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी साना ने दावा किया है कि इस शहर में मसलह दहशतगर्द ग्रुप ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अहलकार हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। सरकारी मीडिया ने यह दावा भी किया है कि वस्त शहर हम्स में मुसल्ला अफराद की तरफ से घात लगाकर किए गए एक हमले में 5 सिक्योरिटी अहदेदार हलाक हो गए। उधर मुल्क में जारी खून खराबे को रोकने के लिए रूस के अराकी ने पार्लियामेंट का एक वफ शाम पहुंचाए। वफ मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतों से मुलाकात करके उनके दरमियान मुज़ाकरात पर आमदगी की कोशिश करेगा। दमिश्क के नुआही इलाके में शाम की अपोजिशन का इजलास भी हो रहा है। मिस्र में हुस्ने मुबारक के इख्तदार के खात्मे के बाद 3 दहाइयों में पहली बार 21 नवंबर को आम इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। खबर रसां इदारे राइटोर ने मिस्र के इलेक्शन कमीशन के सरबरा अब्दुल मोईस इब्राहिम के हवाले से बताया कि मुल्क के ऐवान ज़रीन के लिए इंतखाबात 3 मरहलों में मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें से पहला मरहला 21 नवंबर से शुरू होकर 3 जनवरी को ख़त्म होगा। मुल्क की बरसर इख्तदार फौजी काउंसिल पर अवाम की जानिब से इंतखाबात की तारीखें मुकर्रर करने के लिए सख्त दबाव डाला जा रहा था, जिसके बाद इंतखाबात की इन तारीख का ऐलान किया गया। यमन के नायब सदर मंसूर हादी 6 मुल्की खलीजी ताउन काउंसिल के पेशकर्दा मंसूबे के तहत 1 हफ्ते के अंदर इख्तदार की मुंतकली के एक मंसूबे पर दस्तखत कर देंगे। गुज़िश्ता पीर को यमन के सदर अली अब्दुल्ला साले ने अपने नायब को इस बात का इख्तियार दिया था। सदर अली अब्दुल्ला साले हमले में जख्मी होने के बाद इलाज के लिए सऊदी अरब मुंतकिल हो गए थे, जबकि 3 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद वो सऊदी अरब ही में मुकीम है। उन्हें जनवरी से अवामी मुजाहरों का सामना था, जिनमें से इख्तदार छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। 2 दिन कबल एक सऊदी अहदेदार ने यह इंकशाफ किया था कि अली अब्दुल्ला साले अब यमन वापस नहीं होंगे। तुर्की के वजीर खारजा अहमद दाऊद ओगलू ने कहा है कि 2010 में गाजा के अवाम के लिए इमदादी जहाज फ्रीडम फोटेला पर इसराइल की जानिब से हलाकत खेज हमले की वजह से इसराइल के साथ पैदा होने वाले तवील बहरान के हल के लिए अमेरिका की सालसी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल के लिए हमें किसी सूरत में किसी की मदाखलत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार वस्ती सूबे कोनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त किया जब उनसे ये पूछा गया कि क्या तुर्की और इसराइल के अख्तलाफात को दूर करने के लिए अमरीकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात नहीं हैं कि किसी की मदाखलत की ज़रूरत पेश आए। अगर इसराइल तालुकात में बेहतरी का ख्वाहिशमंद है तो तुर्की का मुतालबा वाज़े है, किसी को इस मामले में हमारी सब्र और जब्त का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तुर्क वजीर आजम तैयब उर्दोगान और अमरीकी सदर बाराक ओबामा के दरमियान होने वाली मुलाकात में दीगर मामूलात के अलावा तुर्क इसराइल तालुकात भी एजेंडे में शामिल हैं। उसामा बिन लादिन की अबटाबाद में हलाकत के बाद आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और अमरीकी फौज के सरबराह मैनिक मोलन के दरमियान पहली बार 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में फौजी ताउन जारी रखने और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात पर इत्तेफाक किया गया है। ये मुलाकात स्पेन में नाटो कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। अमरीकी फौज के सरबराह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ माइक मोलन के तर्जुमान कैप्टन जॉन कर्बी के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात खित्ते के मफाद में है। इस बात को तस्लीम किया गया है कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पाक अमरीका ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए दोनों जानिब से कई अहम इकदामात किए गए। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा फौजी ताउन जारी रखने पर भी तफसीली बात हुई, जबकि इस अज़्म का भी इजहार किया गया है कि ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जाने चाहिए। खबर दोपहर आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।